गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम अंतरा इटले सिटिंग विद सर। सर मे आई नो योर नेम प्लीज? आपका नाम क्या है? माय सर विजय शर्मा। सो सर, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट डू यू डू? मैं अभी बच्चों को लेके यहाँ पे सर। नहीं सर, आई एम इंटरेस्टेड, मतलब आप काम कर रहे हैं? ओके ओके, मैं एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट। यू आर एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट सर। सो सर, कैन यू टेल अस इन दिस लैंड हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन, मतलब इस लैंड में कितने साल से हैं? 10 years. Yeah, 10 years. That's a big time, sir. So like 8 to 10 years experience. Do I mera go 8 to 10 years? Yeah. So like you are in particular. So do you have any future plans? The after your baby, what future plans? Sir, yeah. 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 That's a good thing, sir, because if you are enjoying a thing and if you pursued it, it gives happiness to us, yeah. So like, why do you come here in the evening at the park? Park? No, park is not here. जो देख के बच्चों को अडमोट करते हैं, तो बच्चों से बच्चे खेलते हैं, उसके भी देखते हैं, इसीलिए लेके आए कुछ। या दैट्स राइट। सो लाइक व्हाई इंस्टेड ऑफ कमिंग इन द मॉर्निंग, व्हाई डू कम हियर इन द इवनिंग? मतलब मॉर्निंग की जगह शाम को आए क्यों? मतलब आई लाइक मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर होता है, लाइक ठंड भी होती है। राइट, मॉर्निंग में भी होता है, बट इवनिंग टाइम में क्या है, आज संडे करके आ गए, संडे करके बाकी मोस्टली टाइम से मेरा वर्क ड्यूटी टाइम होता है 8 to 8 PM, इसीलिए मॉर्निंग इवनिंग टाइम होती है। Yeah, so like I have a question for you, like many men, they have to work their whole week, like from Monday to Saturday, they have to spend their time in the job, and like, so they don't have many time to play with their children. And when Sunday, the weekend came, they try to relax instead of coming here in the park with their children. So because of this, they can't spend much time with their children. So what do you think, like of your parents or the like mainly fathers? पूरा हफ्ते लाइक काम करते हैं और फिर लाइक संडे आता है, तो वो मतलब अपने बच्चों के साथ पास ना भी खेलने के लिए वो ऐसे होते हैं, ये रिलैक्स करते हैं। आई नो इट इज़ अ पॉइंट, दे ऑल्सो फील डिस्ट्रेस, सो दे हैव टू रिलैक्स। बट फिर भी क्या होता है कि एक घर में जो एटमोसफेयर होता है, आउट ऑफ फील्ड का एटमोसफेयर होता है, वो अलग होता है। बाकी बच्चों को अगर लेके आए या बच्चों के लिए घर पे कुछ नहीं है, जितना प्रैक्टिकली बच्चे काम करेंगे उतना उनके फिजिकली भी अच्छा है, बेटर है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और आने वाले समय में बच्चों को एक चीज़ों को दिखाने देखेंगे, तो बच्चे घर पर रहने इतना कुछ नहीं होता, बच्चों के लिए फ्यूचर प्रोवाइड कर लेंगे। बच्चों को सभी हर चीज़ का एटमोसफेयर चाहिए, हर चीज़ से मिलने के लिए। घर पे क्या है, घर पे बच्चे घर पे पसंद करते हैं, हर वक्त 24 बात कर रहे हैं, मोबाइल आजकल प्रेफर करते हैं, मोबाइल हर जगह, मोबाइल से बेटर लाइफ नहीं है। मोबाइल से छोड़ के बच्चों को आउट ऑफ फील्ड में लेके आओ, मार्केट में लेके घुमाएंगे, दिखाएंगे, बच्चों से बात होती है तो अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीबॉडी।